वेलकम अगेन। पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मैक्सवेल लॉ का यूज करके एनर्जी निकालने वाली बात। तो वहाँ पे हमने बात करी थी सिर्फ मोनोएटॉमिक के लिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दो मॉलिक्यूल हमारे पास और बचते हैं। वन वी हैव द डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, अदर इज द वी हैव द ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर आपके पास जो गैस मॉलिक्यूल है वो डायएटॉमिक है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, वी हैव टू डू दिस वन। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, ये हो जाएगा हमारे पास एनर्जी ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। हमारे पास क्या होता था, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है इसके पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी होती है 5। ठीक है, ये पढ़ा हमने। दूसरी बात क्या पढ़ी हमने, एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है हाफ के टी। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी कितनी होती है, इट इज योर हाफ के टी। इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, एक मॉलिक्यूल के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हो गए 5, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इट इज दैट वी हैव स्मॉल यू, इसको हम लिखते हैं वो हो जाती है हमारे पास 5/2 kNT। इट इज एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट दैट वी हैव द एनर्जी ऑफ वन मोल। तो एक मोल की एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ वन मोल। एक मोल का मतलब क्या, देर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी, कैपिटल यू हो जाएगी स्मॉल यू इनटू में एन ए, क्योंकि एक जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, तो एक मोल के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो एन ए के बराबर होते हैं, तो एक की एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देंगे एन ए से, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 kT इनटू में एन ए, एंड के इनटू में एन ए हमने बात की थी पिछली क्लास में, तो ये होता है आर। तो यू कितनी हो जाएगी 5/2 RT। ओके, इट इज अ 5/2 RT हो गया है, ये हो गया 5/2 RT फॉर ए डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं फॉर ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल। पहले अगर मैं बात करता हूं फॉर, हम केस करेंगे कि फॉर नॉन लीनियर, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं वो होते हैं 6। नॉन लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाते हैं, देयर आर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द नॉन लीनियर ट्राईएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। यस, ये हमने पढ़ा है, और ये भी हमने पढ़ा एनर्जी, मैक्सवेल ने हमने को बताया एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती कितनी है, इट इज योर 3/2 kT हाफ के टी। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी होती है हाफ के टी, और कितने फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, देयर आर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो क्या हो जाएगा 6 इनटू में हाफ के टी, तो क्या हो जाएगा एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, इट इज दैट यू हैव, इट इज 6 इनटू में हाफ के टी, एंड वी कैन से 6 इनटू में हाफ होता है हमारे पास, ये आ जाएगा 3/2 kT। यस इट इज, कितना आ गया है, ये आ गया 3/2 kT। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ वन मोल। वन मोल
क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये u हो जाएगा और u होता है स्मॉल u इनटू में n a, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 k t इनटू में n a, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 r t। यस प्लीज, ये हमारे पास हो गई मोनोएटॉमिक के लिए, ये हो गई थी सॉरी ये डायएटॉमिक के लिए थी। पिछले केस में हमने किसके लिए पढ़ी थी, इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द देयर मोनोएटॉमिक एंड हेयर डाया एंड ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल दैट वी हैव, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब थोड़े कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर बेस्ड, याद रहे इसके लिए 5/2 kT होती है ट्राईएटॉमिक 5/2 RT होती है, इसके लिए 3 RT होती है, और मोनोएटॉमिक के लिए 3/2 RT होती है। मोल की बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब इसमें आ जाएगा आगे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, तो क्या करता है डिटरमाइन रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ मोनो डाई एंड ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात तो वैसे ही लिख दी है, रूम की बात करें चाहे कोई भी टेम्परेचर की बात करें, कहने का मतलब ये है कि तीनों का टेम्परेचर सेम है तो आपको निकालना है रेशियो का, तो क्या हो जाएगा, तो क्या करें इसमें बताइए प्लीज। टेम्परेचर हमारे पास T है, टेम्परेचर इज यू हैव T, सो क्या हो जाएगी मोनोएटॉमिक के लिए, क्या हो जाएगी हमारे पास 3/2 kT, डाईएटॉमिक के लिए क्या हो जाएगी इट इज योर 5/2 kT, और ट्राईएटॉमिक के लिए क्या हो जाएगी इट इज योर 3 kT, ठीक है। रेशियो निकाले अगर मैं यहां से बात करता हूं, यू मोनो बाई यू डाई इज योर व्हाट इज दिस वन, यू मोनो एटॉमिक बाई यू डाई एटॉमिक हो जाएगा 3/5 सॉरी इट इज 3/5, एंड यू डाई बाई यू ट्राई इज योर 5/6, ठीक है। तो क्या रेशियो आएगा इनका आपस में अगर हम निकालते हैं, तो इनका रेशियो कितना आएगा देखा जाए तो ये हमारे पास है 3/2:5/2:3। If you taking LCM 2, that is comes out to be ratio क्या आ जाएगा? It is comes out to be अनुपात आ जाएगा 6:0, sorry, ये हो जाएगा, it comes out to be 5:0, sorry, this 3:5:6, 3:5:6. It is the ratio of the energy of the mono, di and triatomic molecules, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और कर लेते हैं टॉपिक में, इसी में क्या कहता है अपने को, इसी में क्या बोलता है, चेंज इन एनर्जी की बात करें तो अगर मैं कहूँ चेंज इन एनर्जी,
चेंज इन टेम्परेचर। ध्यान से देखिए भाई, चाहे हमारे पास मोनो एटॉमिक है, चाहे हमारे पास डाई एटॉमिक है, चाहे हमारे पास ट्राई एटॉमिक है, इन एवरी केस हर केस में हमारे पास जो एनर्जी है R इज कॉन्स्टेंट। तो क्या कह रहा है, एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर एनर्जी डिपेंड करती है, और कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसके ऊपर एनर्जी डिपेंड करती हो, क्योंकि फॉर्मूला हम देखें, फॉर्मूले में सिर्फ टेम्परेचर ही आता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें आगे। तो अगर बात करें डेल्टा यू की, चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू मोनोएटॉमिक करेंगे तो हो जाएगी 3/2 R डेल्टा टी। वास्तव में चेंज किस में आएगा, टेम्परेचर में आएगा। डेल्टा यू हो जाए हमारे पास, अगर डाई की बात करूं तो हो जाएगा 5/2 R डेल्टा टी। डेल्टा यू ट्राई की बात करूं तो हो जाएगा 3 R डेल्टा टी। ये हमारे पास एनर्जी में चेंज आ जाएगा, अगर एनर्जी चेंज हो, अगर टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो विद द चेंज इन टेम्परेचर इट वुड बी द चेंज इन द एनर्जी ऑफ मोनो, दिस इज डाई एंड दिस इज ट्राई। ओके यस, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। अगर आगे बात करें इसी में तो एक छोटा सा मैनुअल कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर बाद में लास्ट टॉपिक पढ़ लेंगे इसका। ये हमारे पास आता है मीन फ्री पाथ, दैट इज आवर मीन फ्री पाथ, ठीक, उसको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे मीन फ्री पाथ को। क्वेश्चन क्या कहता है अपने को यहाँ पे, डिटरमाइन एनर्जी रिक्वायर और चेंज इन एनर्जी ऑफ मोनो डाई एंड ट्राई गैस मॉलिक्यूल्स वेयर टेम्परेचर इट चेंजेस फ्रॉम फ्रॉम 50 degrees Celsius to it is going to 100 degrees Celsius। Yes, please solve करें इसको। ओके हो गया, आगे बात करते हैं इसको। वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहां से, अगर हम बात करें मोनोएटॉमिक के लिए फॉर्मूला ये होता है, फॉर मोनोएटॉमिक डेल्टा यू मोनोएटॉमिक हमने पढ़ा है 3/2 R T होता है, ये हो जाएगा 3/2
और डेल्टा टी कितना है 100 माइनस में 50, इट इज 50, तो कितना आ जाएगा डेल्टा यू मोनोटोनिक के लिए, यहाँ पे 50 बाई 2 आ जाएगा 25 एंड इट इज 75 आर, कितना आ गया इसके लिए आ गया 75 आर। अगर आर की वैल्यू पुट करना चाहे तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314। फोर मोनोएटॉमिक क्या होता है, सॉरी फोर डायएटॉमिक, फोर डायएटॉमिक क्या हो जाएगा हमारे पास, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर आपके पास है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हमारे पास आएगा ये हो जाएगा इट इज दैट वी हैव डेल्टा यू डायएटॉमिक था हमारे पास, इट इज 5/2 आर टी आर डेल्टा टी, तो 5/2 इंटू में आर फिर से 50 आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी इट इज 125 आर। फोर ट्राई एटोमिक, यहाँ पे मोल करेंगे, यहाँ पे नॉट मॉलिक्यूल, ओके मोल की बात करेंगे, वन मोल सिर्फ एक मोल की बात करेंगे, यहाँ पे ट्राइटॉमिक के लिए क्या हो जाएगी डेल्टा यू ट्राई एटोमिक, ये होती है 3R डेल्टा टी, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी डेल्टा टी 50 है तो ये हो जाएगा 150 R। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास है चेंज इन एनर्जी। एक मोल के लिए बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास अगर नंबर ऑफ मोल्स n होते हैं, इफ देर आर एन नंबर ऑफ मोल्स, इफ देर आर एन नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या हो जाता है जो डेल्टा यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3/2 एन आर डेल्टा टी, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, डाई के लिए क्या हो जाएगा 5/2 एन आर डेल्टा टी, और ट्राई के लिए क्या हो जाएगा फॉर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल डेल्टा यू ट्राई हो जाएगा इट इज 3NR डेल्टा टी। वो हमने बात की थी पिछले वाला केस जो आया था R डेल्टा टी वाला जो हमने लिखा था, वो हमारे पास एक मोल की बात थी, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मोल्स दो दे दे तीन दे दे मतलब n दे दे तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन में। ठीक है, अब इस यूनिट का लास्ट टॉपिक कर लेते हैं मीन फ्री पाथ एंड देन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव द थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, फिर हम थर्मोडायनामिक्स को पढ़ेंगे, सो इट इज आवर लास्ट पार्ट हियर। ये पार्ट क्या है हमारे पास, दिस इज आवर मीन फ्री पाथ। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है मीन फ्री पाथ। ठीक है, अब ये होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ वास्तव में हमारे पास क्या हो जाता है, हमारा जो गैस मॉलिक्यूल होता है किसी कंटेनर के अंदर हमने गैस को अगर फिल किया है तो गैस का मॉलिक्यूल लगातार कोलिजन करता रहता है, पहले से टकराएगा फिर दूसरे से फिर तीसरे से टकराते रहते घूमते फिरता रहता है ऐसे। अब फ्री पाथ का मतलब क्या हो गया कि भाई क्या करेगा, दो कोलिजन के बीच में वो फ्रीली मूव कर रहा है, जो दो कोलिजन के बीच की डिस्टेंस कर रहा है वो उसका फ्री पाथ है। ठीक है, मतलब यहां से चला इसे टकराया फिर आगे टकराया फिर आगे टकराया फिर आगे टकराया, मतलब दो कोलिजन के बीच का उसका रास्ता है उसमें वो फ्री चल रहा है, उसको कोई अवरोध पैदा नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, मीन क्या हो जाएगा, जो
नंबर ऑफ कोलिजंस कर रहा है उन सब का जो फ्री पाथ है, पहले के बीच में पहले कोलिजन के लिए इतना फ्री था, दूसरे के लिए कुछ फ्री रहा, तीसरे के लिए फ्री रहा, तो सभी कोलिजंस का जो पाथ है फ्री पाथ है उसका जो मीन हमने निकाला उसी को क्या बोल देता है, इट इज योर मीन फ्री पाथ। तो क्या कहता है इसको डिफाइन ये करता है, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई गैस मॉलिक्यूल इट इज एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है आपकी, इट इज योर मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो क्या हो गया यहां से हम इसका छोटा सा एक्सप्रेशन आ जाता है उसको कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल है उसको मान लेते हैं, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल को हमने मान लिया v, और अपने क्या कह देता है कि भाई द नेक्स्ट इज दैट वी हैव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इन यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कितने ले लेता है, इसको ले लेता है स्मॉल n, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम आर यूर स्मॉल n। ठीक है, देखना भाई एक ज्योमेट्री बना लेते हैं छोटी सी। ये हमारे पास कोई गैस का मॉलिक्यूल है यहां पे, ठीक है, दूसरा क्या कहता है डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल इन स्मॉल डी, मॉलिक्यूल की जो डायमीटर है वो स्मॉल डी है। ठीक है, ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ये आगे को जाएगा मान लेते हैं, अगर ये आगे को जाएगा तो ये टकरा सकता है, हमारे पास कोई दो मॉलिक्यूल ऐसे रास्ते में है मान लेते हैं, ठीक है, इसकी डायमीटर अगर डी है, इसकी डायमीटर भी डी हो जाएगी और इसकी डायमीटर भी डी हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं आपका गैस मॉलिक्यूल जो है वो टी टाइम तक चलता है इधर को, तो कितनी दूरी तय कर लेगा, इट इज योर वी इंटू में टी, कितना चला जाएगा वी इंटू में टी चला जाएगा, ठीक है, ये चला गया वी इंटू में टी। ठीक है, अब देखना भाई यहां पे वास्तव में क्या होता है, जब ये गैस का मॉलिक्यूल जाएगा विद v, ये हमारे पास जो डिस्टेंस हो जाएगी इसकी ये हो जाएगी l हो जाएगी v इंटू में t। ठीक है, तो क्या होगा देखना भाई, यहां से ये गैस का मॉलिक्यूल यहां पे दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल्स कितने रीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, ये भी इधर को, डी वाला इधर को लेंथ को और डी वाले नीचे वाले लेंथ को, तो इतने रीजन को जब आगे को जाएगा इतने रीजन को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, ओके, इट विल इन्फ्लुएंस दैट रीजन हियर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सपोज मॉलिक्यूल मूव फॉर टाइम दे रखा है आपको टी, तो कितने डिस्टेंस चल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड
हो जाएगी आपकी v इंटू मिट्टी। देखना मैं प्लीज यहां से, जब ये जाएगा तो ये दोनों निकल इधर को है, इतने रीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, तो वास्तव में जो वॉल्यूम आ गया, इतने वॉल्यूम को इन्फ्लुएंस करेगा, वो एक सिलेंडर बन जाएगा जिसकी जो डायमीटर है वो 2d हो जाएगी और जो रेडियस है वो d हो जाएगी, और आगे को जा रहा है v इंटू मिट्टी डिस्टेंस तक, l डिस्टेंस तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम, अगर मैं बात करूं टोटल वॉल्यूम यू कैन से इन्फ्लुएंस बाय बाय मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा आपका पाई डी स्क्वायर वी इंटू में टी, इतने वॉल्यूम से इन्फ्लुएंस करेगा, ये सिलेंडर बन गया यहां से, सिलेंडर की रेडियस हो गई डी, डायमीटर हो गई 2d और इसकी लेंथ हो गई वी इंटू में टी, इतने वॉल्यूम से इन्फ्लुएंस करेगा। तो नंबर ऑफ कोलिजन जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन कोलिजन इन टाइम टी, टी टाइम में कितने कोलिजन कर देगा यहां पे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहां पे, व्हाट इज देयर, यस प्लीज, ये हो जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ कोलिजन इन टी टाइम, ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर वी इंटू में टी, एन इंटू में आ जाएगा हमारे पास ये, इतने नंबर ऑफ कोलिजन हो जाएंगे हमारे पास है, कितने टाइम में, इन दिस पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, टी टाइम में इतने कोलिजन करेगा क्योंकि इतने वॉल्यूम को इन्फ्लुएंस करेगा, इतने वॉल्यूम में यूनिट वॉल्यूम में एन मॉलिक्यूल है तो इतने वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल जाएंगे एन इंटू में दिस वी, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद क्या करें यहां पे, अब कहता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, कोलिजन पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितने कोलिजन आएंगे, तो टाइम से भाग कर देता हूं यहां से, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम क्या हो जाएंगे, हम टाइम से भाग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास पाई डी स्क्वायर एन इंटू में वी, ये हो गया हमारे पास पाई डी स्क्वायर एन इंटू में वी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब यूनिट टाइम में कितने कोलिजन हो रहे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं हमारे पास यहां से, अगर मैं क्या कहूं एवरेज टाइम, टाइम पर कोलिजन, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको, हमारे पास क्या है, मान लेते हैं ये इसकी वैल्यू 10 आता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में 10 कोलिजन हो रहे हैं, तो क्या कह रहा है एवरेज टाइम कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ वन कोलिजन, ये तो होगी कोलिजन की फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड क्या निकालेंगे, वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, तो एक कोलिजन का एवरेज टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/πd² n / v, ये हो गया एक कोलिजन का टाइम, एवरेज टाइम कितना हो जाएगा पर यूनिट कोलिजन जो है 1/πd² n / v, और हमारे पास क्या है डिस्टेंस क्या आ जाएगी, और यू कैन से एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट कोलिजन, डिस्टेंस होती है एक कोलिजन का टाइम इनटू में वेलोसिटी, वेलोसिटी वी है तो क्या हो जाएगी हमारे पास, इट इज योर 1/πd² n, ये आ गई हमारे पास। ठीक है, ये आ गई हमारे पास, अब हम क्या करते हैं, तो मीन फ्री पाथ होता है वो क्या होता है, इसको लिख लेते हैं मीन फ्री पाथ, ये हो जाता है 1/√2
डी स्क्वायर एल सॉरी पाई डी स्क्वायर एल। एक्चुअली आप ये कहेंगे कि वो ये ही हमारा एवरेज डिस्टेंस है तो मेन फ्री पाथ था, लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ी सी दिक्कत रह गई, यहाँ पे हमने बात की कि ये वाला पार्टिकल जो है सिर्फ ये वाला पार्टिकल है वो मोशन कर रहा था, बाकी को हमने रेस्ट में मान के इसको पूरी एनालिसिस को सॉल्व किया था। अब बाकी मॉलिक्यूल भी इसकी तरफ आएंगे तो जो मीन पाथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा एज कम्पेयर टू जो हमने यहाँ पे निकाला है। तो यहाँ पे रूट टू से हमने डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर द मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल 1/√2πD²n। ओके सो वी कंप्लीट आवर लेक्चर टुडे। यहाँ पे हमारी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला पार्ट है पूरा हो जाता है। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक हियर, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके प्लीज कंप्लीट योर नोटबुक। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।